आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लोड सेल। लोड सेल जो है फोर्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, या वेट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो ये ट्रांसड्यूसर देखिए इसमें क्या होता है और कौन कौन से पैरामीटर ये मेजर करेगा। फोर्स हो गया, या आप बोल सकते हो लोड हो गया, वेट बोल सकते हो, टेंशन और कंप्रेशन। तो इन सब सारी चीजों को ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए कैसे करता है। इनपुट इनपुट आपका हो गया फोर्स या वेट। इनपुट किस पे दिया गया, ये स्ट्रक्चर कही जाएगी लोड सेल। तो इसमें क्या होगा, आप चार स्ट्रेन गेज यूज करोगे। नंबर एक हो गया ऐसे, इस तरह से लगा रहेगा जैसा सेफ है। नंबर टू ये हो गया। अब नंबर जैसे एक दीवार होती है, चार जो दो के सामने वाली जो वॉल है उस पे आपका नंबर फोर वाला स्ट्रेन गेज रहेगा। मतलब जो जैसे टू रखा होगा वैसे नंबर फोर रखा जाएगा, दो के सामने वाला। फिर एक के सामने तीन नंबर जो है वो वैसे ही रखा जाएगा जैसे नंबर एक रखा गया। मतलब वन और थ्री सेम टाइप से रखे जाएंगे, टू और नंबर टू और नंबर फोर वाले जो स्ट्रेन गेज हैं वो एक टाइप से रखे जाएंगे। एक के सामने तीन रहेगा और दो के सामने फोर नंबर वाला रहेगा। अब देखिए जैसे ही आप इनपुट फोर्स दिए, अब देखिए फोर्स यहां आया, एक इस तरह से रखा गया है, एक की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, टेंशन होगा। और दो में क्या हुआ, दो इस तरह से स्ट्रेन गेज रखा गया है, दो में क्या होगा, कंप्रेशन हो गया। तो दो और दो के सामने क्या है, चार, चार में भी कंप्रेशन होगा क्योंकि वो दो की तरह ही रखा गया है। और एक में टेंशन हो रहा है, मतलब जब फोर्स लगाओगे तो जो स्ट्रेन गेज वायर है उसका लेंथ बढ़ेगा। तो एक के सामने क्या है, तीन, तो उस वो भी ऐसे ही रखा गया है जैसे एक एक नंबर का स्ट्रेन गेज रखा गया है, तो उसमें भी टेंशन होगा। इस तरह से वन और थ्री में टेंशन और टू और नंबर फोर वाले स्ट्रेन गेज में कंप्रेशन, समझ गए। तो जो अब ये ब्रिज में दिखाया गया है, तो अब आइए, अब ये हमारा आ गया चारों स्ट्रेन गेज किस तरह से उसके रेजिस्टेंस में वेरी कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस में चेंज हुआ, अब हम क्या करेंगे, हम ब्रिज बना देंगे। ये जो ब्रिज बना हुआ यही चीज है, ये ब्रिज बना दिए। तो ब्रिज में जो सेम टाइप का फिनोमेना जिसमें जिसमें हो रहा है, जैसे टेंशन वाले, तो ब्रिज के आमने सामने की आर्म में रहेंगे। मतलब चार भुजाएं होती हैं ब्रिज की, तो एक और तीन इस तरह से लग जाएगा आमने सामने, और दो के सामने चार वाला लग जाएगा। मतलब सेम फिनोमेना जिसमें जिसमें हो रहा है, एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, बगल में नहीं रह सकते, मतलब टेंशन के बगल कंप्रेशन रहेगा। ओके, अब देखिए ब्रिज बना दिए। तो ब्रिज का जो मेन डायग्राम, अब ये देखा जाए, ये ब्रिज बन गया, एक और तीन यहां लगे हुए हैं टेंशन और टू और फोर कंप्रेशन, मतलब ये हो गया। अब ब्रिज का ये सप्लाई वोल्टेज है वी आई। अब देखिए, अब ये फुल ब्रिज है, चार स्ट्रेन गेज है, सब में सबका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इन दोनों का बढ़ रहा है, एक और तीन का, दो और चार का घट रहा है। तो होगा क्या, पहले जब बैलेंस्ड रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज जीरो रहेगा, जैसे ही रेजिस्टेंस में चेंज आपको मिला ये आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और आपने देखा है फॉर्मूले से, वी आउटपुट जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है, इक्वल टू होता है वन, सॉरी, ये वन इंटू गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन इंटू वी आई, इसको लिख दे रहे हैं। तो वन तो कोई मतलब नहीं है, गेज फैक्टर लिख दीजिए, गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन को इस तरह से लिखते हैं, इंटू वी आई, या इसको लिख सकते हो डेल्टा आर बाई आर इंटू वी आई। तो अब देखिए ये बदल रहा है ना, आपने इसके डायमेंशन में चेंज किया, तो ये चीज इस तरह से, इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो, या दूसरा रिलेशन लिख सकते हो, वी आउटपुट इक्वल टू, ये फुल ब्रिज का है, डेल्टा आर बाई आर इंटू वी आई। जब हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से स्ट्रेन गेज का, स्ट्रेन गेज की डायमेंशन में चेंज हुआ, तो डायमेंशन में चेंज हुआ तो ओवरऑल रेजिस्टेंस में आपको चेंज मिलेगा, और इस रेजिस्टेंस में चेंज होने की वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया डेल्टा आर बाई आर इंटू वी आई, या ऐसे कर सकते हो गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन इंटू वी आई। इस तरह से हम फोर्स लगा के रेजिस्टेंस बदलेंगे, रेजिस्टेंस बदलने के बाद उस रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन हुआ उसको हम वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से लोड सेल बनाया जाता है। ये मेनली वेट मेजरमेंट करने के लिए है, बाकी चीजें फोर्स वेट ये सब इसी से मेजर हो जाएंगे, टेंशन कंप्रेशन सारे पैरामीटर इससे मेजर हो जाएंगे। अब ये दूसरा इस तरह से बनाया गया है, स्ट्रेन गेज को एक कैंटिलीवर बीम पे रखा गया है, तो बीम पर ये फोर्स लगाया गया और दो स्ट्रेन गेज वन और थ्री वाले जिसमें
सेम टाइप की चीजें होंगी, उसको ऊपर रख दिया गया। इस बीम के नीचे तरफ लगाया गया है टू और फोर नंबर, मतलब इसमें क्या होगा, दो और चार में कंप्रेशन होगा। देखिए दो और चार, जब जब इस पे फोर्स लगाओगे तो ये बीम नीचे झुकेगा, एक और नंबर तीन वाले, नंबर एक और नंबर तीन के स्ट्रेन गेजेस, उनके डायमेंशन में चेंज मिलेगा, बढ़ेगा, और मतलब टेंशन मिलेगा, और दो और चार में कंप्रेशन मिलेगा, एक और तीन में इंक्रीमेंट मिलेगा, दो और चार के स्ट्रेन गेज में डिक्रीमेंट मिलेगा। तो इस तरह से आप इस कॉन्फ़िगरेशन या इसके पहले वाले इस फिगर के हिसाब से आप वेट या लोड को आप कन्वर्ट कर सकते हो वोल्टेज के फॉर्म में। ब्रिज लगा दोगे, ब्रिज के चारों आर्म पर हम स्ट्रेन गेज लगा देंगे और हमारा जो इनपुट है फोर्स या वेट वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक सिग्नल वोल्टेज में। तो एक तरह से पैसिव ट्रांसड्यूसर है ये, क्योंकि आपको सप्लाई देनी ही पड़ेगी। तो ये आपका ब्रिज का सर्किट हो गया, ठीक है।